नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा एशेज टेस्ट मैच खेला जाएगा 26 से 30 दिसंबर के बीच मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 5 बजे से। तो आज की इस वीडियो में मैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट का कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस मैदान के ग्राउंड रिकॉर्ड्स क्या हैं, इस मैदान पर दोनों कप्तान को टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की जो पिच है, इस पर कौन से बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स, और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, इस तीसरे एशेज टेस्ट मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं, और वीडियो के अंत में मैं अपने इस मुकाबले की विन प्रेडिक्शन भी देने वाला हूं। तो ओवरऑल ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी क्रिकेट फैंस के लिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस तीसरे एशेज टेस्ट मैच के लिए मेलबर्न की वेदर रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो मेलबर्न की वेदर रिपोर्ट है वो पांचों दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पर बारिश की आशंका बिल्कुल भी नहीं है और आपको पूरा खेल देखने को मिलने वाला है। जहाँ पर अगर मैं आपको डे वाइज वेदर फोरकास्ट बताऊँ, तो डे वन की जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 19 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किए गए हैं, वहीं पर जो बारिश की आशंका है वो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आपको क्लाउड कवर 94% पहले दिन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर दूसरे दिन की बात करें, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा जो क्लाउड कवर है वो 54% रहेगा, यानी कि आपको उस दिन भी थोड़ी बहुत क्लाउडी कंडीशंस देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर तीसरे दिन की बात करें, तो तीसरे दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है। इसके अलावा जो बारिश की संभावना है वो भी बिल्कुल ना के बराबर है। वहीं अगर हम चौथे दिन की बात करें, तो पूरा सनी डे रहने वाला है, जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस फोरकास्ट किया गया है, और इस दिन भी बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पर पांचवें और आखिरी दिन भी सनी डे रहेगा, 29 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा, वहीं पर बारिश की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको समराइज्ड फॉर्म में ये वेदर रिपोर्ट बताऊं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेदर यहाँ पर रहने वाली है पांचों दिन, और आपको पूरा खेल पांचों दिन होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस तीसरे एशेज टेस्ट मैच के लिए मेलबर्न की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले ग्राउंड रिकॉर्ड्स की बात कर ले, तो इस मैदान पर टोटल अभी तक 113 टेस्ट मैचेस खेले जा चुके हैं, जहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 56 मैचेस जीते हैं, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने 40 मुकाबले जीते हैं। तो दोस्तों, ये रिकॉर्ड्स पूरी तरीके से क्लियर स्पष्ट कर देते हैं आपको कि इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करना ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और मेलबर्न का इतिहास यही रहा है कि जिस टीम ने भी यहां पर पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाया है 450 या 500 रन, तो उस मैच में उस टीम का ये पलड़ा जो है वो भारी रहा, या तो वो टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं या फिर उस टीम ने वो मैच जीता है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में भी जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा, क्योंकि दोस्तों पहली पारी और दूसरी पारी में मेलबर्न की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होती है। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े स्कोर पहली पारी और दूसरी पारी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम एवरेज स्कोर्स की बात कर लें, तो जो एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर है इस मैदान पर वो 311 है, और एवरेज सेकेंड इनिंग्स स्कोर भी एकदम बराबर है 311। इसके अलावा एवरेज थर्ड इनिंग्स का जो स्कोर है वो गिरकर 253 का हो जाता है, जबकि एवरेज फोर्थ इनिंग्स का स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है 172। तो दोस्तों, यही चीज़ आपको एवरेज स्कोर्स में भी दिख रही है कि पहली पारी और दूसरी पारी में बैटिंग के लिए कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो कप्तान भी टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगा, और उसकी कोशिश ये होगी कि करीब 450 से 500 रन इस मैदान पर लगाया जाए, क्योंकि अगर आप इतना स्कोर बोर्ड पर लगा देते हो तो फिर आप वहाँ से मैच नहीं हार सकते, और आपके लिए वहाँ से जो मैच जीतने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस मैदान पर शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, और यहाँ पर देखा जाए तो तीसरे और चौथे दिन भी गेंदबाजों को मदद मिलती है, क्योंकि बाउंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है मेलबर्न के मैदान पर। हालांकि स्पिनर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं रहती है, और हल्का फुल्का मदद आपको चौथे और पाँचवें दिन स्पिनर्स के लिए देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव पिच है, जहाँ पर बल्लेबाजों के लिए तो मदद है ही, इसके साथ साथ तेज़ गेंदबाजों को भी इस मैदान पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस मैदान पर कौन से बॉलर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो दोस्तों, अगर हम पिछले 60 टेस्ट मैचेस के आंकड़े देखेंगे, तो यहाँ पर टोटल 157 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने चटकाए हैं, जबकि सिर्फ 50 विकेट्स ही स्पिनर्स को मिले हैं। तो ये आंकड़े पूरी तरीके से स्पष्ट कर देते हैं कि इस मैदान पर तेज़ गेंदबाजों का ही दबदबा रहता है, और इस मुकाबले में भी आपको कुछ इस प्रकार का ही नज़र आने वाला है, जहाँ पर राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 129 विकेट्स चटकाए हैं।
तो दोस्तों मेरा तो सजेशन आपको यही रहेगा कि आप दोनों टीमों से ज़्यादा राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को अपनी प्लेइंग 11 में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो स्पिनर्स के लिए ये मैदान कुछ खास मददगार साबित नहीं होता है। हालांकि तीसरी इनिंग्स और इसके अलावा चौथी इनिंग्स में जहां पर थोड़ी बहुत मदद स्पिनर्स को मिलती है, नेथन लाइन के भी आंकड़े इस मैदान पर अच्छे हैं, तो अगर आप कोई स्पिनर रखना चाहते हैं तो आप नेथन लाइन को रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राइट आर्म फास्ट बॉलर्स को अपनी प्लेइंग 11 में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि दोस्तों दोनों टीमों ने इस तीसरे टेस्ट मैच से पहले ही अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में दो बदलाव किए हैं। जहां पर एक तरफ उनके ओरिजिनल टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की इस मैच के जरिए वापसी हो रही है, वहीं पर स्कॉट बोलैंड को इस मैच के जरिए टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल रहा है और जाय रिचर्डसन और इसके अलावा माइकल नेसर ये मुकाबला नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे डेविड वार्नर के साथ मार्कस हैरिस, नंबर 3 पर मार्नस लाबुशेन, नंबर 4 पर स्टीव स्मिथ, नंबर 5 पर ट्रेविस हेड, नंबर 6 पर कैमरॉन ग्रीन, नंबर 7 पर विकेटकीपर एलेक्स कैरी, नंबर 8 पर कैप्टन पैट कमिंस, नंबर 9 पर मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पर नेथन लाइन और नंबर 11 पर स्कॉट बोलैंड खेलने वाले हैं। बात दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में, तो इंग्लैंड की टीम ने पिछले एशेज टेस्ट मैच से इस मैच की अपनी प्लेइंग 11 में 4 बदलाव किए हैं, जहां पर उन्होंने जॉनी बेस्टो की जगह ओली पोप को टीम में शामिल किया है, वहीं पर ओपनर रॉरी बंस के स्थान पर जैक क्रॉली को मौका दिया है, वहीं पर उन्होंने जैक लीज की भी टीम में इस मुकाबले में वापसी कराई है, जहां पर पिछले मुकाबले में जो ऑल आउट पेस अटैक के साथ वो गए थे वो पूरी तरीके से विफल साबित हुआ था। तो आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 इस तीसरे एशेज टेस्ट मैच में इस प्रकार की नजर आने वाली है। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे हसीब हमीद के साथ जैक क्रॉली, नंबर 3 पर खेलेंगे डेविड मलान, नंबर 4 पर कैप्टन जो रूट, नंबर 5 पर बेन स्टोक्स, नंबर 6 पर जॉनी बेस्टो, नंबर 7 पर विकेटकीपर जॉस बटलर, नंबर 8 पर मार्क वुड, नंबर 9 पर ओली रॉबिन्सन, नंबर 10 पर जैक लीच और नंबर 11 पर जेम्स एंडरसन आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 दोनों टीमों की तरफ से इस तीसरे एशेज टेस्ट मैच में नजर आने वाली है। अब बात कर लेते हैं इस तीसरे एशेज टेस्ट मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की कि मुझे क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। तो दोस्तों अभी तक इस एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां पर उन्होंने दोनों टेस्ट मैचेस डोमिनेटिंग अंदाज में जीते हैं और एक तरफा अंदाज में इंग्लैंड को हराया। तो मुझे लगता है कि तीसरा टेस्ट मैच में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है इंग्लैंड के लिए इस एशेज सीरीज में वापसी करना, क्योंकि हमने देखा है कि जब कोई भी टीम टेस्ट सीरीज में 2-0 से आगे हो जाती है तो फिर वहां से ऑपोजिशन टीम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस सीरीज में वापसी करना। और मुझे लग रहा है कि इस मुकाबले में भी आपको ऐसे ही दिखने वाला है, ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से आपको डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि उनको होम एडवांटेज तो मिल ही रहा है और जब भी वो घर पे खेलते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस साइड हो जाते हैं और एक बार फिर से हमको ये इस सीरीज में देखने को मिल रहा है। वहीं पर इंग्लैंड का जो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड है टेस्ट मैचेस में वो भी बहुत ही ज्यादा खराब है। तो यहां पर सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रही हैं और यहां पर इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी है, क्योंकि उन्हें ये मैच हर हाल में जीतना है अगर उन्हें थोड़ी भी चांसेस अपनी बरकरार रखनी है एशेज सीरीज में। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा इंग्लैंड के ऊपर, आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और मेरे इस मुकाबले की इसलिए जो विन प्रेडिक्शन है वो ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की, आपको क्या लगता है कि किस टीम की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत लग रही है और कौन सी टीम ये तीसरा एशेज टेस्ट मैच जीतने वाली है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।